गाइज एच आर इंटरव्यू के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज हम आपके साथ लेके आए यहाँ पे हम आपको एचआर में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो बताने वाले तो इस वीडियो को स्टार्ट कर दे गाइज सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पे टेल मी अबाउट यूर सेल्फ यानी आपको खुद के बारे में बताना है अभी इसको दो तीन वे से समझ लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं डिस्क्राइब यूर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस uh, करने के लिए बोल सकते हैं तो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट uh, लग सकते हैं टेल मी अबाउट यूअर सेल्फ डिस्क्राइब यूअर सेल्फ और इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ आपको एक ही आंसर देना है आपका नाम बताना है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है आपका फैमिली बैकग्राउंड बताना है आपके सर्टिफिकेशंस के बारे में बताना है और आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है और कुछ एडिशनल थिंग्स होगी वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो ये चीजें डीपली बताना बहुत जरूरी है फर्स्ट क्वेश्चन का इंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है दूसरा क्वेश्चन वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन आवर कंपनी हमारी ही कंपनी में आपको क्यों काम करना है ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है फर्स्ट क्वेश्चन की कंपनी के बारे में जितने भी पॉजिटिव बातें हैं ना वो आपको एक्सप्लेन करनी है और जितना सही है वही बताना है अगर आप कुछ भी बताते लोगोगे ना तो ये यह यहाँ पे वैलिड नहीं है तो आपको पॉजिटिव थिंग्स पे ही फोकस करना है दूसरी चीज स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मैं हमेशा कहता हूं ना स्ट्रेंथ जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वीकनेस जॉब के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए जैसे टीचिंग का जॉब हो और आप कह रहे हो मुझे स्विमिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं आप टीचिंग कर सकते हो तो ये यह चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है चेंजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यू आर लुकिंग फॉर चेंज यानी आप यहाँ पे जॉब स्विचिंग का भी एक ऑप्शन होता है स्विच क्यों करना चाहते या फिर वाई यू आर चेंजिंग कंपनी कंपनी चेंज क्यों करना चाहते एक ही क्वेश्चन से अलग अलग वे से पूछा जा सकता है आपको इसका आंसर्स भी प्रॉपर वे से देना बहुत जरूरी है अभी ट मी अबाउट गैप इन यूर रिजूम है यह बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत कम पे पूछा जाता है बट पूछा तो इसका स्केल वन टू टेन अब यहाँ पे ना मैं दो तीन चीजें कहूंगा अगर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस होना तो खुद को टेन रेट कर दो गाइज कोई बात नहीं है बट कॉन्फिडेंस लो है तो आप खुद को नाइन रेट कर दो मैं हमेशा कह दो ना खुद को सिक्स सेवन एट इसके बीच रेट मत करो क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं ना कि खुद खामिया हो सकती है बट खामिया वन परसेंट पकड़ के चलो अगर एक कंसिडरेशन हो रहा है ना तो वन परसेंट इक्वल टू टेन का कंसिडरेशन है यानी आप नाइन भी दे रहे तो 90 हो तो आप नाइनटी परसेंट करेक्ट हो तो नाइनटी परसेंट तो मार्क गिर सकते है किसी को ना किसी को तो यहाँ पे ये चीजें भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कोई बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में पूछता है कि आपके बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी आपको लगता है बिगेस्ट अचीवमेंट है तो होगी ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग सोचते हैं ना मैंने डैश डैश कंट्री घूमी है या फिर बहुत कुछ ऐसी बातें बताते हैं तो गाइड बिगेस्ट अचीवमेंट शुड बी रिलेटेड विद जॉब्स तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ पे तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है तो मैंने कोशिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर्स कर सकते हैं इसके बारे में फिर भी कुछ क्वेरी कमेंट डाउट्स तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक यू सो मच गाइज